तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से आज प्रेस क्लब बशीरबाग पर एक रोज़ा भूख हड़ताल का इनेकाद अमल मिला है। इस भूख हड़ताल में सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी TUWJ के विराहत अली, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MA माजिद, सेक्रेटरी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन नरेंद्र रेड्डी, साबिका रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अमरनाथ के अलावा कई और सहाफ़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस धरने से, इस भूख हड़ताल से इजहार एहतियात करने के लिए कई कायदीन यहाँ आए और शाम को प्रोफेसर कोडंडाराम सदर तेलंगाना जन समिति ने नारियल का जूस पिलाते हुए इस भूख हड़ताल को ख़त्म किया। हमने कल दिखाया कि कोरोना के साथ तो जीना है, मरना है, लेकिन उसके उसके साथ हम दीगर चीजों को, हमारा जो राइट्स है उसको हम सरेंडर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी जान भी जाएगी तो हम उसको विले करेंगे। तो मनोज ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये बैठने का मौका दिया है कि जर्नलिस्टों में वो शक्ति है। आज हम ये लेबर क्लास यहाँ बैठे हैं, दीगर लेबर क्लास भी रोड पे आएंगे, दीगर लेबर क्लास भी। सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के अमर के श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत को बारहा तवज्जो दिलाई गई कि सहीफे निगारों के लिए जो हेल्थ कार्ड है उसको कारगर बनाया जाए, कारपोरेट हॉस्पिटल में उसे शुरू करने के लिए इकदाम किए जाएँ। उसके अलावा आज जब कोरोना वायरस से निपटने का मसला आ रहा है तो सहीफे निगार जो फ्रंट वार में सबके साथ हैं उन्हें तहफ़ फराहम करने के लिए PPE किट फराहम किए जाएँ। उनके और ज़रूरी जो एहतियाती इकदाम है हुकूमत उसका साथ दे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत उस पर अमल करने तैयार नहीं है। आज का भूख हड़ताल, एक दिन का भूख हड़ताल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में, वेलफेयर के बारे में और करोना में करोना इफेक्ट ये सो जर्नलिस्ट को उनके बारे में करोना इफेक्ट से मर गए सो साथी मनोज के बारे में ये गवर्नमेंट ना इंसाफ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बातों में बोल रहे। ये पहले मर्तबा नहीं, बहुत दिन से हम लोगों स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को और मिनिस्टर्स को इसके बारे में लाली और वी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मगर कुछ नहीं। मनोज मर गया और 21-22 जर्नलिस्ट हॉस्पिटल में है कोरोना इफेक्ट से। वो लोगों का साथियों, लोगों का फैमिलीज क्या हो रहे हम लोगों को मालूम नहीं है। इसके बारे में हमारा डिमांड इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, सेव द जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द जर्नलिस्ट, एक्सटेंड फैसिलिटीज टू व्हाट ऑल अदर कैटेगरीज आर एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। डॉक्टर्स को क्या करे, पुलिसों को क्या करे, सफाई कर्मचारियों को क्या करे, आप ही खुद बोल दिए, थैंक्स बोले और वॉरियर से बोल के बोले जर्नलिस्टों के बारे में, मगर कुछ नहीं कर रहे वो इसके बारे में, ये नॉन इंसाफी के बारे में। दी चीफ मिनिस्टर के टू ब्रिंग दी नोटिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हम लोगों
आज ये भूख हड़ताल कर। इस मौके पर इस भूख हड़ताल से सहीफी निगाह से इजहार अगानियत करने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने प्रेस क्लब आया और अपनी जानिब से तमाम सहीफी निगारों से उनके मसाइल के लिए इजहार अगानियत किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम सहीफी निगारों को जो कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के लिए मैदान में हैं, कैमरामैन और जो जो मुतालिका स्टाफ है, उन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम करें और तमाम ज़रूरी एहतियाती इकदाम के लिए हुकूमत सहीफी निगारों के साथ हो और उनके साथ इजहार हमदर्दी करे। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने 2 लाख रुपए अपनी जानिब से तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को फराहम करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस से निपटने वाले सहीफी निगारों को हसब जरूरत खर्च करे। వాళ్లకు రాజకీయం లబ్ధుంటే తప్ప ఈ అంశాలను పట్టించుకుంటలేరు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి సిగ్గు రావాలన్నా ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగాలన్నా నేను ఒక ఆలోచనతోనే గతంలో మనోజ్ గారి కుటుంబానికి 50,000 మనం ప్రకటించడం వల్ల సంబంధించిన వాళ్ళకి పంపిస్తా ఈరోజు పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తరఫున మీరు ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారో ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కరోనా బాధిత జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు ఎప్పుడైనా అత్యవసరంగా ఆదుకోవడం కోసం ఇవాళ ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా ద్వారా ఈ జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా జీతాన్ని నుంచి మీ కరోనా బాధిత జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి అది అత్యవసరంగా ఆదుకోవడానికి అంటే ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్నది అత్యవసరంగా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కనీసం చేతు ఖర్చుల కోసం దారి ఖర్చుల కోసం ఉండాలి కాబట్టి నా జీత భత్యాలకు సంబంధించిన చెక్ ద్వారా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు మీ సహాయ నిధికి ఇచ్చిన ఇప్పటికైనా ఇలాంటి సహాయము వ్యక్తులు చేస్తే తక్కువ అవుతుంది వ్యవస్థ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనువిప్పు కలిగి ముందుకొచ్చి జర్నలిస్టులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది వాళ్ళ బాధ్యత ఇది ఎవరి సహాయము దాన ధర్మం కాదు ప్రజలు కట్టిన పన్నుల నుంచి నిన్న మన దాతలు ఇచ్చిన సహాయం నుంచి ఆ నిధుల నుంచే మీరు నిధులు ఖర్చు పెట్టారు సిపిఐకి సెక్రటరీ చాడ వెంకటరెడ్డిని అప్పటి पार्टी की जानिब से इजहार अगानियत करते हुए आया और कुछ देर इस भूख हड़ताल में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए चाड़ा वेंकटरेड्डी ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल को कोरोना के लिए खसूसी हॉस्पिटल का मौक़ दिया गया लेकिन वहां पर सहूलतें फराहम ना होने की वजह से और ख़ासतौर पर वेंटिलेटर ना होने की वजह से मनोज की मौत हुई है। हुकूमत को आम मरीजों के अलावा सहीफी निगारों के लिए भी ज़रूरी इकदाम करने चाहिए, उनके इलाज में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन्होंने गच्चीबोली में कायम करदा तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को तमाम सहूलत से आरास्ता करते हुए शुरू करने का मशवरा दिया जबकि सिर्फ उस हॉस्पिटल को कायम किया गया और रस्मी इफ्तिता से हटकर उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मनोज का इंसिडेंट के बारे में उनको जस्टिस होना चाहिए वो डिमांड करते हुए यहाँ वो प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक का चला रहे हंगर स्ट्राइक बैठे हुए सभी कॉमरेड्स को सीपीआई तेलंगाना स्टेट की तरफ से सल्यूट करते हैं। आज हैदराबाद सिटी में कोरोना पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़ रहा है, ये पूरे गांधी हॉस्पिटल के ऊपर ही डिफेंडेबल है और वहीं हॉस्पिटल में पूरे ट्रीटमेंट करने की वजह से रेगुलर पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा, कोरोना पेशेंट्स को भी कॉन्फिडेंस चले गया, ये मेडिकल स्टाफ वगैरह जितना होना है उतना नहीं है, अटेंडेंस भी कम है, इसलिए अपन कई दिनों से सीएम को लेटर्स भेज रहे हैं, उन्होंने मिलता नहीं, अपॉइंटमेंट देता नहीं, डिस्कशन करते भी नहीं। इसी हाल में इमीडिएटली आप गच्चीबोल में कोविड हॉस्पिटल क्यों ओपन करें, वहाँ क्यों ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे ही गांधी में और ये पूरे गवर्नमेंट का हॉस्पिटलों में भरोसा करना चाहिए।
रखना चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए। अभी नहीं है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में फिर 8 लाख 9 10 15 20 लाख तक भी पेमेंट कर रहे कोविड को। यहाँ मनोज को ऐसा क्यों हुआ? गांधी को जाने के बाद उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं हुआ, नहीं मिला। उनका भाई का वीडियो क्लिप्स देखे तो मालूम हो जाएगा उन्होंने कैसी तकलीफ में, कैसी प्रॉब्लम में वेंटिलेटर नहीं होने के वजह से 30 घंटे वेट करके उन्हें हॉस्पिटल में जॉइन होना पड़ा और इंतकाल हो गया। ये गवर्नमेंट की भी इमीडिएटली उन्हें रिस्पांस देना है, लेना है। क्यों बोले तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ठीक तरह नहीं हुए तो इनको प्रॉब्लम नहीं होता था, इंतकाल नहीं होता था। इसलिए ये गवर्नमेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उनका फैमिली को 50 लाख एग्जिस्ट देना चाहिए। वैसे ही उनका फैमिली में एक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट तरफ देना चाहिए, यही सीपीआई डिमांड करती है। वैसे ही वर्किंग जनरेशन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, सबको सीपीआई सपोर्ट करती है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली ने गांधी हॉस्पिटल को कब्रिस्तान से ताबीर करते हुए कहा कि वहां पर जो मर्ज में मुतला होकर जा रहा है उसमें अक्सरियत उनके लाश वापस आ रही है, जिसका सबूत यह है कि मनोज ने वहां पर दवाखाने के अंदर के हालात से तमाम लोगों मीडिया को वाकिफ करवाया, जबकि मीडिया को गांधी हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त नहीं है ताकि वो हकायक क्या है उससे वाकफियत हासिल कर सके। जर्नलिस्ट साथियों को इंसाफी के लिए हम आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से एक दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस भूख हड़ताल की वजह यह है कि इस तेलंगाना स्टेट में आज ये कोरोना से जो जर्नलिस्ट सफ़र हो रहे हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, उनके जान बचाने में यहाँ की गवर्नमेंट फेल हो रही। असल फ्रंट वॉरियर्स बोल के बोल रहे हैं जर्नलिस्ट लोगों को, उनकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, लेकिन उनको सर्विस देने में 100% फेल हो रहे हैं। हम एक ही एक गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हम दो दिन पहले गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मिले और हेल्थ मिनिस्टर को हम मेमोरेंडम सबमिट किए। हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, आज आप जो गांधी हॉस्पिटल में जर्नलिस्ट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हॉस्पिटल नहीं है हमारे नज़र में, वो कब्रिस्तान है। वहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट जा रहा, जान से बाहर आने के अपने को गारंटी नहीं है, इसलिए हम वो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाह रहे हमारे जर्नलिस्ट। हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल एक अलाट कीजिए स्पेशली जर्नलिस्ट के ट्रीटमेंट्स के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस को और जो ये स्कैवेंजर्स के लिए जो 50 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं वो जर्नलिस्ट को भी देने बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। जर्नलिस्ट क्या गलती किए? जर्नलिस्ट भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी सर्विसेज कर रहे हैं, उन लोगों को 50 लाख क्यों नहीं देते? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी उनके लिए स्पेशल उनको एक्सग्रेशिया देना बोल के भी हम डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली ये 8 दिन पहले यहाँ कोरोना से जो इंतकाल हुआ हमारे साथी जर्नलिस्ट मनोज कुमार के फैमिली को इंसाफ करिए, मनोज कुमार के फैमिली को हेल्प करिए फाइनेंशियल हेल्प। जो 50 लाख का स्कीम आप इम्प्लीमेंटेशन कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्कीम में मनोज कुमार के फैमिली को देना बोल के भी हम डिमांड कर रहे हैं, और हर जर्नलिस्ट को भी और मीडिया में जितने भी स्टाफ काम करते उन सबको 50 लाख का इंश्योरेंस को इम्प्लीमेंटेशन करना बोल के तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वो डिमांड से आज हम ये कर रहे हैं। यहाँ से ही हमारा एजिटेशन ख़त्म नहीं होता, इंशाल्लाह आगे हमारे मूवमेंट को अभी हम स्प्रेड करेंगे स्टेट लेवल में 31 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मूवमेंट को, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मूवमेंट को अभी हम स्पीडअप करने को भी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पीछे नहीं हटता बोल के भी हम यहाँ के गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर एम ए माजिद ने इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहीफे निगारों के लिए एहतियाती इकदाम और उनके लिए सहूलतें फराहम करें। उसके साथ उन्होंने बाज़ मीडिया तंजी आर्गनाइजेशन की जानिब से सहीफे निगारों के साथ रवा रखे गए
रवैये पर इजहार तासुफ किया और वहीं पर ऐसे मैनेजमेंट्स के इंतजामिया की सताइश की जो ऐसे हालत में सहीफी निगारों के साथ है, उनकी हिम्मत अफजाई कर रही है। कोरोना वायरस आया है, जर्नलिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। मरकजी सरकार ने ये कहा कि जो लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं उसमें जैसे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है और जर्नलिस्ट हैं, उनको भी शामिल किया गया, लेकिन जो पैकेज दिया गया है उसमें जर्नलिस्टों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो आप देखिए, तेलंगाना रियासत का जहाँ तक सवाल है, बेशुमार जर्नलिस्ट हमारे जो है इंतकाल कर गए। अभी मनोज की जो बात की गई थी उससे पहले भी कुछ लोग जर्नलिस्ट कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। तो अब हमारा जो मुतालबा है, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो IJU से मुलक है, उसका ये मुतालबा है कि जर्नलिस्टों के लिए जो 50 लाख जो आपने जो है फ्रंट वॉरियर्स के लिए रखा था वो इंश्योरेंस हमें दीजिए जर्नलिस्टों के लिए और तमाम जर्नलिस्टों के लिए, उनके जो है उनकी फैमिली के लिए भी जो है कोरोना टेस्ट फ्री करवाइए और इंतकाल होने की सूरत में उनको जो है भारी कंपनसेशन दीजिए, जैसा कि बाद स्टेट ने किया है। दूसरी जहाँ तक बात है कि इस वक्त जर्नलिस्टों की जो हालत है तेलंगाना में बहुत बुरी है और आप देखिए आज हम पहली मर्तबा एक यानी भूख हड़ताल कर रहे हैं और ये भूख हड़ताल अपनी नियत की है, अपने हक़ के लिए है और हुकूमत का जो रवैया है वो हमारे साथ बिल्कुल जो है एक सौतेला सलूक जैसा रवैया है। जर्नलिस्टों को वो खातिर में नहीं ला रहे हैं जबकि जर्नलिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं और आज देखिए जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की बहुत ज़रूरत है, जर्नलिस्टों की इतनी ज़रूरत है क्योंकि कई किस्म के जो है रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, कोरोना में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये हम लोग जो रूमर्स हैं जर्नलिस्ट सही तौर पर खबर जाकर वो फील्ड पर जाकर जो है खबर देकर अपनी जान को रिस्क में लेकर, अपनी जान को, अपनी फैमिली की जान को रिस्क में लेकर आवाम तक सही खबरें पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए कोई गुंजाइश सरकार नहीं निकालती और आज ये भूख हड़ताल में समझता हूँ कि एक बेंचमार्क साबित होगी ताकि आने वाले दिनों में दीगर जो वर्कर्स हैं जो अपने हक़ से जो है जिनको नज़रअंदाज किया गया है वो भी हमारे लिए साथ उठ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि और एक जहाँ तक बात है कि जो हमारे जर्नलिस्ट इस वक्त फील्ड पर हैं उनके लिए PPEs का जहाँ तक सवाल है, उनको जो है प्रोटेक्शन जो किट्स हैं वो उनके देने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भूख हड़ताल सरकार से मुतालबा करती है कि सहाफ़ियों को भी वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो फ्रंट वॉरियर्स को दिया जाता है और मैं हमारे सहाफ़ी भाइयों से भी यही कहूँगा कि वो मौजूदा हालात से जो है दिलबर्दाश्ता न हो। बेशतर लोगों को मुझे इल्म है इस बात का कि उनको निकाल दिया गया है या उनकी जो है वेजेस कम कर दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दौर है जिसमें हमको सरकार को ये चाहिए कि वो हमारी मदद करे, जर्नलिस्टों की मदद करे। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इंतज़ामिया अगर रहमदिली का सबूत देता है तो हम उनको ज़रूर याद रखेंगे, ऐसी सूरत में वो अपने वर्कर्स का हाथ ना छोड़ें। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट के साथ भी कि वो ये हालात तो नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन ये याद रहेगा कि देखो कौन सा मैनेजमेंट हमारे साथ यानी मज़दूरों के साथ रहा। तो मैं यही समझता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि ये हमारा जो इत्तेहाद है वो हमको ज़रूर कामयाबी दिलाएगा और ख़ासकर ऐसे हालात में जबकि हम कोरोना से पूरी सोसाइटी दो चार हो रही है, ऐसे में सहाफ़ियों का किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए उसके लिए मैं ये जो एक रोज़ा भूख हड़ताल है वो एक ज़रूर हमारे लिए एक पैगाम देगी। शुक्रिया। चित्रबाग प्रेस क्लब में हमारे पत्रकार मित्रों ने जो दीक्षा में बैठे फास्ट के लिए वो 10 बजे से 5 बजे तक जर्नलिस्ट लोगों, जर्नलिस्ट भाइयों को और बहनों को सहायता के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकार दोनों वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सोसाइटी में। ये जो कोविड महामारी जो उसके ऊपर जो वार हो रहा है इसमें इन लोग ड्यूटी के माध्यम से घर छोड़ के परिवार छोड़ के काम कर रहा है, बहुत रिस्क काम कर रहा है, इनको सुविधा देने का फ़र्ज बनता है। स्टेट गवर्नमेंट को मैं अपील कर रहा हूँ, जो मनोज जो गुजर गया बेचारा वो TV5 का रिपोर्टर, उनको आत्मा शांति के लिए सबसे पहले मैं प्रेयर कर रहा हूँ और इसके बावजूद कुछ और भी जगह जर्नलिस्ट को जो भी अफेक्टेड है, दिल्ली में भी हमारा ड्यूटी जो करता है आंध्रा भवन का भी कुछ लोग अफेक्ट हुआ, कुछ लोगों को अच्छा हुआ, मैं ईश्वर से अल्लाह से प्रेयर कर रहा हूँ और सब अच्छा होना है, ये महामारी जल्द से जल्दी ख़त्म होना है, सबको शांति और स्वस्थ बरकरार रखना है और केंद्र सरकार को भी मैं लेटर लिखा जितना पॉसिबल हो सकता, 9 अप्रैल को भी मैं लिखा हूँ और 50 लाख जो बीमा है जो इंश्योरेंस का और स्टेट गवर्नमेंट भी कंसिडर करना, प्रेस अकाडमी सभी लोग मिलके इनका जो भी है एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना है। जर्नलिस्ट का जो जेन्यून डिमांड्स है, जो हमारा भाई लोग जो जेन्यून डिमांड रखे सरकार के सामने, तुरंत उसके ऊपर ध्यान दे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे, कोविड के लिए अगर कहीं गलती से इफेक्ट हुए तो भी उसके लिए स्पेशल वार्ड्स, स्पेशल ट्रीटमेंट,
स्पेशल असिस्टेंट्स और तुरंत उन लोगों को परिवार के लिए थोड़ा जो भी है रिलीफ अनाउंस करने के लिए हमारा मांग करता है।